आप देख रहे हैं वार्ता 24। वो सोशल मीडिया से माध्यम से पहले कॉल करके बातों में रिझाती थी, फिर अपने घर बुलाती थी और फिर बनाती थी शिकार। लेकिन सबको शिकार बनाने वाली ही अब हो गई कानून का शिकार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है, जहां एक महिला गैंग चलाते हुए अननोन नंबर से सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो कॉल करती थी और इस गैंग में साथ देने वाला उसका कथित पति भी था। दरअसल इस महिला के तरीके को जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये महिला पहले वीडियो कॉल करती थी और जब वीडियो कॉल उठ जाती थी तो प्यार भरी रिझाने वाली बातें कर लोगों को अपने घर बुलाती थी। सूत्रों की माने तो अब तक इस महिला ने 2.5 करोड़ रुपया कमा लिया था, यानी वो 2.5 करोड़ जो लोगों की गाढ़ी कमाई थी उनसे ब्लैकमेल कर ये महिला कमा चुकी थी। लेकिन इस महिला के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई थी। इस महिला ने न सिर्फ आम आदमी व्यापारी को ही अपना शिकार बनाया, बल्कि पुलिसकर्मी और खादीधारी भी इसके शिकार बने थे। लेकिन आखिरकार एक पुलिसकर्मी को जब ये फंसाने की कोशिश करती है तो ये पुलिस के ही जाल में फंस जाती है और फिर खुलासा होता है, जिसके बाद सभी हैरत में पड़ जाते हैं। चूंकि इसने 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की ब्लैकमेलिंग नहीं, बल्कि 2.5 करोड़ की ब्लैकमेलिंग अब तक की है। इस महिला के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नकटिया थाना क्षेत्र कैंट की रहने वाली एक महिला के द्वारा 3 लोगों के विरुद्ध जो है थाना कैंट पर 354, 452, 506 और 323 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो एक नामजद महिला है उसके द्वारा थाना बरादरी पर भी इसके पूर्व में 2 मुकदमे लिखवाए गए हैं। इन सभी प्रकरणों की जो है साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। साथ ही इसके गैंग के अन्य सदस्यों के नाम भी मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। दरअसल हुआ यूं कि इस महिला ने आखिरकार फिर एक बार खाकीदारी को अपने घर बुलाया और इसके कथित पति ने अंदर आते ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उसने आरोप लगा दिया कि आप मेरी बीवी के साथ गलत हरकत करने आए हैं और अगर आप मुझे पैसा नहीं देते हैं तो मैं आपका यह वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल दूंगा, आपके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दूंगा। मतलब खाकी को ही धमकाने का काम किया। चूंकि इससे पहले कई घटनाओं में जब इसको सफलता मिली तो इसका मनोबल भी बढ़ गया और मनोबल इस कदर बढ़ गया कि वो आए दिन शिकार बनाने लगे। लेकिन इस बार पूरी बात उल्टी पड़ गई और आखिरकार आरोपी महिला के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो खुलासा हुआ कि ये महिला पहले ही 2 से 3 फर्जी मुकदमे दर्ज करा चुकी है और अब पुलिस कप्तान के आदेश पर इस महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसके गैंग के सभी सदस्यों के खिलाफ पुलिस अब सख्त कार्रवाई कर रही है। आप देख रहे हैं वार्ता 24।